वेलकम बैक दोस्तों। सेवरल वीक अप टीजर एंड लॉन्च डेट डिले होने के बाद में फाइनली Realme ने अपना Realme X1 Max स्मार्टफोन कल इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया, जो कि Realme GT Neo का रीब्रांडेड वर्जन है, जो कि इससे पहले चाइनीज मार्केट में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। मेन हाइलाइट्स की बात करें तो डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के साथ में आने वाला है, पहला डिवाइस है इंडिया के अंदर। 27,000 से इसकी प्राइसिंग शुरू होती है, प्राइसिंग को लेकर के भी अपन कंक्लूजन में मन की बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ इसके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर में Iqoo 7 एंड Mi 11 XT ये दो डिवाइस आते हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो Iqoo 7 के साथ में कंपेरिजन कर लिया जाए, क्योंकि ये भी स्मार्टफोन आपको अंडर 30 के मिलता है और स्नैपड्रैगन 870 के साथ में आ रहा है। सो लेट्स कंपेयर दिस टू इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते कुछ बढ़िया। सबसे पहले डिजाइन की बात किया जाए दोस्तों, तो दोनों ही स्मार्टफोन अपने प्रीमियम लुकिंग डिजाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे लाइटवेट डिवाइस Realme X7 Max है। टॉकिंग अबाउट Realme X1 Max, बैक पैनल पे वर्टिकली स्ट्रिप दी गई है, रेक्टेंगुलर शेप्ड कैमरा मॉडल पे तीन कैमरास की हाउसिंग मिल जाती है, नीचे Realme की ब्रांडिंग है। ऑन द फ्रंट यू गेट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पंच होल कटआउट, ओवरऑल गुड लुकिंग डिजाइन। Iqoo 7 के केस में आपको वर्टिकली तीन कैमरास की हाउसिंग दी जा रही है, ठीक नीचे Iqoo की ब्रांडिंग मिलती है और फ्रंट पैनल पे सेंटर पंच होल कटआउट रहेगा। प्रीटी गुड डिजाइन। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए दोस्तों, तो Iqoo 7 सुपीरियर है एज कम्पेयर टू Realme X1 Max, बिकॉज यहाँ पे ग्लास का बिल्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। ब्रांड्स की यही बात मेरे को पसंद नहीं आती, कुछ अच्छा देने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कम कर ही देते हैं। 3.5mm जैक की अगर यदि बात करें हम लोग, तो ये Realme X1 Max में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, काफी अच्छी बात है। लेकिन Iqoo 7 के अंदर ये सुविधा आपको नहीं दी जा रही है। हालांकि आपको कनेक्टर वगैरह मिल जाता है, USB टाइप सी 2 3.5mm का कनेक्टर, तो ये चीज अच्छी लगी मेरे को। बाकी बात कर लेते हैं स्टोरेज स्पीकर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्टोरेज स्पीकर्स मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करें Realme X1 Max में 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है और ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन मिल रहा है। Iqoo 7 की बात करें 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है और स्कॉट सेंसेशन का ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। डिस्प्ले में ऑब्वियसली Iqoo 7 बेस्ट होने वाला है ड्यू टू मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस ड्यूरिंग आउटडोर कंडीशन, HDR10 प्लस सपोर्ट एंड बिगर डिस्प्ले। हालांकि कुछ चीजें दोनों में एकदम सेम है, सच इज एस्पेक्ट रेशियो, डिस्प्ले की क्वालिटी, रिफ्रेश रेट। लेकिन यहाँ पे अगर टच सैम्पलिंग रेट की बात की जाए तो 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको Realme X7 Max के साथ में मिल रहा है और यही चीज आपको Iqoo 7 प्रोवाइड करता है 300 हर्ट्ज की। हालांकि यहाँ पे आपको 1000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट प्रोवाइड किया जाता है, ये काफी अच्छी बात है, इसकी एक खासियतों में शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप भी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि HDR कंटेंट को HDR कंटेंट में कन्वर्ट करवाता है और स्क्रीन में अच्छे खासे कलर्स आपको अवेलेबल करवा के देता है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए तो उसके लिए एक बड़ी डिस्प्ले जरूरी होती है, इसके लिए Iqoo 7 की डिस्प्ले एकदम बेस्ट रहेगी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, Realme X1 Max के अंदर Dimensity 1200 5G LSOC मिलता है, जो कि 6nm प्रोसेस पे बना हुआ है। Android 11 के साथ में Realme UI 2.0 मिल जाता है, माली G77MC9 वाला GPU देखने को मिलता है। Iqoo 7 में Snapdragon 870 मिलता है, जो कि 7nm प्रोसेस पे बना हुआ है। Android 11 के साथ में FunTouch OS 11.1 मिलता है, Adreno 650 एज अ GPU मिल रहा है। ये वाला डिपार्टमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक बड़ा फॉर्म फैक्टर है। Dimensity 870 में Cortex A77 को एज अ हाई परफॉर्मेंस कोर चुना गया है और फ्रीक्वेंसी 3.2 GHz की प्रोवाइड की जा रही है, जबकि जो Dimensity 1200 है वहां पे Cortex A78 कोर को चुना गया है हाई परफॉर्मेंस कोर के लिए, फ्रीक्वेंसी 3.0 GHz की मिल रही है। यहाँ पे एफिशिएंसी कोर की फ्रीक्वेंसी भी बेटर है, इवन जो एफिशिएंसी है ना वो भी काफी अच्छी मिल जाएगी ड्यू टू 6nm प्रोसेस। लेकिन CPU में ओवरऑल देखा जाए ना तो Dimensity 1200 और Snapdragon 870 दोनों के बीच में कोई भी बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ। चलो GPU की बात कर ली जाए तो Adreno 650 यहाँ पे ओवर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू माली G77MC9, जो कि आपको Dimensity 1200 के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए जो सेंचुरियन मार्क है वहाँ पे Adreno 650 लगभग 123 पॉइंट के आसपास में स्कोर करता है और जो Dimensity 1200 का माली G77MC9 है वो 113 पॉइंट्स के आसपास में स्कोर करता है, मतलब यहाँ पे लगभग 10 पॉइंट्स का डिफरेंस मिल जाता है। इसके अलावा
LPDDR5 RAM का सपोर्ट एंड UFS 3.1 का नेटिव स्टोरेज, ये दो चीजें आपको कहाँ मिल रही है, स्नैपड्रैगन 870 के साथ में मिल रही है, जबकि LPDDR 4X और UFS 3.1 आपको मिल रहा है डामासिटी 1200 के साथ में। इसलिए ओवरऑल पूरे हार्डवेयर को देखा जाए तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 870 ओवर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू डामासिटी 1200। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को लेकर के कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी दोनों स्मार्टफोन के अंदर, बिकॉज दोनों में एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और दोनों में रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने वाली UI मौजूद है। कैमरास की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको Realme X1 Max के अंदर 64MP के ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिलता है, 16MP की सेल्फी मिल जाती है। Iqoo 7 के अंदर 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और 16MP की सेल्फी प्रोवाइड की जा रही है। देखो यहाँ पे अगर आप पिक्सल्स को देखोगे ना तो वहाँ पे आपको Realme X1 Max पसंद आ जाएगा, लेकिन यदि आप यहाँ पे क्वालिटी को देखोगे, कैमरा की क्वालिटी को देखोगे, तो ऑब्वियसली Iqoo 7 ही यहाँ पे आपको बेहतर नजर आएगा। देखो 48MP मेन सेंसर होने के बाद में भी यहाँ पे इसका कैमरा अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगा एज कम्पेयर टू 64MP मेन सेंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको OIS वाला फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को इस प्राइस पॉइंट के अंदर। इवन 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो कि Realme X1 Max के 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, तो काफ़ी बढ़िया है। सेल्फीज के लिए आपको 16MP की सेल्फी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि सही है, दोनों में बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे 48MP मेन सेंसर का होना नॉट अ बिग डील, लेकिन भाई OIS का होना एक बहुत बड़ी डील साबित हो सकती है आप लोगों के लिए, जो कि आपको कहाँ प्रोवाइड की जा रही है, Iqoo 7 के अंदर। इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि Iqoo 7 कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा खासा निकाल के आपको दे सकता है। बाकी अगर आपको लगता है तो आप इसकी कैमरा कंपैरिजन वीडियो एक बार चेक कर लेना, जो भी बनाया होगा, जिसने यूट्यूबर ने बनाया होगा, आप एक बार जाकर के चेक कर सकते हो। 4K वीडियोस को आप 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो रियर कैमरा से दोनों स्मार्टफोन के, और फ्रंट कैमरा से आप फुल HD+ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों स्मार्टफोन से। बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, Realme X1 Max में 4500mAh की बैटरी मिलती है, 50W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 2.5W की रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। Iqoo 7 के अंदर 4400mAh की बैटरी मिलती है और 66W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो इस डिपार्टमेंट को लेकर के आपको ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत होगी, क्योंकि एक बेहतर बैटरी कैपेसिटी के साथ में इंसेंट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको Iqoo 7 ही प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कंक्लूजन पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है भाई ऐसे टफ कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। डायमेंसिटी 1200 पहली बार इंडिया आया था रियलमी X1 Max की बदौलत, लेकिन कुछ फॉर्म फैक्टर्स रियलमी के फोन के अगेंस्ट लग रहे हैं और यहाँ पे क्लियरली Iqoo 7 इस कंपैरिजन का विनर नजर आ रहा है। इसके कुछ सॉलिड रीजंस भी है। सबसे पहले हार्डवेयर की बात कर ली जाए दोस्तों, Iqoo 7 का हार्डवेयर हावी पड़ जाता है रियलमी X1 Max के हार्डवेयर के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे Antutu वर्जन 9 से भी क्लियर हो चुका है, कोर्टेक्स A77 और होने के बाद में भी ये ओवर परफॉर्म करता है। इसके अलावा GPU की बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पे Adreno 650 प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के लिए निकाल के देगा, अच्छे खासे ग्राफिक्स निकाल के देगा, ये भी क्लियर हो चुका है सेंचुरियन मार्क की बदौलत। इसके अलावा डिस्प्ले, बिल्ट क्वालिटी, कैमरा, बैटरी, इन सब डिपार्टमेंट में ओवर परफॉर्म करेगा Iqoo 7। सो अब आपको तो क्लियर हो ही गया होगा यहाँ पे आखिरकार इस कंपैरिजन का विनर कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है। आप लोग भी बताएगा आपको क्या लगता है इस कंपैरिजन का विनर कौन सा स्मार्टफोन हो सकता था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है डेली बेसिस पे। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।